नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने जेएमडी किसान यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि अगर आपके गन्ने के खेत में टॉप बोरर यानी चोटी बेधक और तना छेदक ये सब रोग अगर आपके खेत में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बरसात के समय में ये रोग अपना पूरा अस्तित्व जमाते हैं गन्ने की फसल में, तो आपको तत्काल इसका इलाज कर लेना चाहिए। इसकी पहचान और इसमें कौन कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, कौन से कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कीटनाशक के साथ क्या मिला करके डालना चाहिए, क्या नहीं मिला करके डालना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको हम वीडियो में देंगे। तो किसान भाई, उससे पहले आपसे उम्मीद है अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्त, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और किसान दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि हम इसमें जो कीटनाशक बताने वाले हैं वो कीटनाशक बहुत ही रिजल्टफुल और बहुत ही सस्ता और यूजफुल प्रोडक्ट है। उस कीटनाशक के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, उससे क्या क्या लाभ हैं, कितने प्रकार के लाभ होते हैं अगर आप अपने फसल पे यूज कर लेते हैं। और कुछ कीटनाशक होते हैं डायरेक्टली महंगे तो होते हैं लेकिन खाली कीट के लिए ही होते हैं, और कुछ कीटनाशक डबल फ़ायदा कर जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे इसमें एक ऐसे कीटनाशक के बारे में जिसका प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो ये पक्का मान लीजिए आप कि आपको डबल फ़ायदा होगा, और इस समय उसी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए जो डबल फायदा दे, क्योंकि एक बार छिड़काव करने में कितनी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में टॉप बोरर की शिकायत है, चोटी बेधक तना छेदक की इस प्रकार की परिस्थिति अगर आपके गन्ने के खेत में हो रही है, तो आपको दोस्तों हम बता दें कि सबसे सस्ता और सरल प्रोडक्ट कीटनाशक है जिसका नाम है क्लोरोपाइरीफास, जो कई कंपनियाँ अपने अपने नाम से बनाती हैं, जैसे हमला 550 और इफ़को कंपनी का भी क्लोरोपाइरीफास आता है 50% और साइपरमेथिन 5%। इसको आपको 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने पूरे खेत में स्प्रे करना है। इसके स्प्रे की विधि से भी आप स्प्रे कर सकते हो और बिखराव भी कर सकते हो, बिखराव भी उतना ही रिजल्टफुल रहेगा और स्प्रे भी रहेगा, लेकिन स्प्रे आपको आपके खेत में नमी हो और बरसात का मौसम ना हो उस तरीके से आपको स्प्रे करना है। अगर आपको बिखराव की सिचुएशन पोजीशन लेनी है तो आपको क्या करना है कि बालू या रेत यानी ले लेनी है आपको 10 किलोग्राम और उसमें 300-400 ml ये क्लोरो डाल करके मिक्स कर लेना है और खेत में पानी चला देना है, और उसके बाद पूरे खेत में बिखराव करके पानी भर देना है, पूरे खेत में आपका तैली स्थिति हो जाएगी। तो ये आप 100% पक्का मान लीजिए कि आपके गन्ने के खेत में, गन्ने की फसल में जो भी कीट होंगे वो 100% समाप्त हो जाएंगे। एक प्रयोग आपको करना है, एक प्रयोग हो सके तो एक महीने बाद फिर कर देना है। तो लगभग में पूरी फसल में औसतन अगर खर्चा देखा जाए तो लगभग में 500 रुपये लगभग आपका आएगा, लेकिन ये पक्का है कि आपके खेत में कीट 1% नहीं बचेगा और आपका ग्रोथ और आपका फसल की क्लोरोफिल की मात्रा यानी कि हरापन बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। ये हमने भी प्रयोग करके देखा है, वास्तविकता में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो अगर आप बिखराव दूसरे विधि से करना चाहते हो दूसरा, तो आप ऐसा करिए फ्यूराडान भी प्रयोग कर सकते हो। फ्यूराडान के लिए आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फ्यूराडान लेना है, लेकिन फ्यूराडान हम उन किसान भाइयों को सजेशन करते हैं जिनका गन्ना पेड़ी हो अन्यथा बड़ा हो चुका हो, वो किसान भाई फ्यूराडान का प्रयोग करें, क्योंकि कास्टली थोड़ा महंगा हो जाएगा और उसके बाद में थोड़ा रिस्की भी होता है, उल्टी और चक्कर आना ये सब प्रॉब्लम्स किसान भाइयों को देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना अधिक ये हानिकारक नहीं है कि आप अस्पताल पहुंच जाओगे, आराम से बर्दाश्त करने की क्षमता रखो, डरने की कोई बात नहीं है। तो फ्यूराडान भी काम अपने हिसाब से करता है बहुत अच्छा। तो फ्यूराडान के लिए हम सजेशन बाद में देते हैं कि सेकेंड स्थिति आप फ्यूराडान का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर आप चाहें तो क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा कोई भी कीट होंगे। इससे क्या होता है कि स्प्रे से एक फ़ायदा होता है किसान भाइयों, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से फ़ायदा होता है, जैसे ये मान लीजिए पत्तियां ऊपर की लीच पत्ती है, तो इस लीच पत्ती में यहाँ पर ये जो सिकुड़न है
इसके अंदर एक बहुत बारीक बारीक से कीड़े बैठते हैं, जो कि क्या करते हैं कि इनको अंदर के रेशे जो हैं मार देते हैं और ये पत्तियां फिर कलर बदल देती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित कर देती हैं। तो एक तत्व इनको मिलना मुश्किल हो, मतलब समस्या हो जाती है कि एक तत्व हमारे पौधे को अब नहीं मिल रहा है, तो जिससे मेन क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, तो क्लोरोफिल की मात्रा जब कम पड़ जाएगी तो हमारे पौधे में वृद्धि रुक जाएगी। तो अगर हम इस टाइम पर, इस सिचुएशन भी अगर आपके खेत में इस तरह की पत्तियां दिख रही हैं, ये सब समस्या आपको दिख रही है, तो ये पक्का मान लीजिए दोस्तों कि स्प्रे ही करना है, किसी भी कीमत पे आपको दानेदार ग्रेनुल्स वाला कीटनाशक जो आता है उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो ज़मीन में जो कीड़े हैं उनका का सफाया हो जाएगा, लेकिन जो कीड़े यहाँ पर बहुत बारीक बारीक से हैं, ये देख लीजिए बहुत बारीक बारीक से कीड़े हैं, तो ये बारीक वाले कीड़े जो हैं इनको अगर आपको समाप्त करना है तो आपको स्प्रे करना है। अगर आप स्प्रे कर देते हो तो ये सारे कीड़े समाप्त हो जाएंगे, ये सारी पत्तियाँ अपने पूर्ण तत्व, जितने भी तत्व बाहर से खींचते हैं वो लेने में इनको तंदुरुस्ती और सेहत बढ़ जाएगी इनकी। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि आप क्लोरो का प्रयोग करिए, अगली वीडियो में हम कई सारे कीटनाशक बता देंगे जिनका भी आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट हमने प्रयोग किया है, ये कीटनाशक हमने भी प्रयोग किया है, रिजल्ट हमें अच्छा मिला, तो हमने सोचा अपने किसान भाइयों को ये हम बता दें, अन्यथा हम बहुत सारे कीटनाशक बताएँगे, आप वर्टागो, फटेरा, कोराजन, फलाना, डिमका जो भी डालना चाहें डालते रहें, महंगे महंगे प्रोडक्ट बहुत आते हैं, वैसे बताने की बात तो हम बहुत हैवी प्रकार के भी बता सकते थे, लेकिन आप क्लोरो का प्रयोग करिए, क्लोरो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और किसान दोस्तों में शेयर करें। किसान भाइयों अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम इसी तरीके की वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।